18th of October 1989, Rising Darkhana, Nairobi, in the evening. Yeah, you made it. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qayama. Eji sacha. अगर कोई शख्स तौहीद को नहीं मानता, भले वो कलमा भी पढ़ता होवे, नमाजें पढ़ता होवे, तो वो इस्लाम से खारिज है। हमने ये लफ्ज बहुत सुना है, किताबों में पढ़ा है और मदरसों स्कूलों में छोटी उम्र से सिखाया जाता है। और तौहीद कुरान शरीफ के सूरतुल इखलास में से हमें सिखाई, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मोहम्मद, इनको सिखाओ कि खुदा जो है वो अकेला है। अहद कहा है, वाहिद नहीं कहा। वाहिद का मतलब एक, अहद का मतलब अकेला, यूनिक। वाहिद बहुत सी चीजों की एक एक चीज हो सकती है, जैसे कि शिलिंग एक होवे तो हम वाहिद शिलिंग कहते हैं, और अगर एक सेंट होवे तो हम वाहिद सेंट कहते हैं। वाहिद का मतलब एक, मगर अहद का मतलब सिर्फ अकेला, उस जैसा और कोई दूसरा ना हो। यह है यूनिटी, इसको तौहीद कहते हैं। और इस सूरह इखलास का दूसरा नाम सूरह तौहीद भी है। मगर आप इसकी कभी डिटेल ख्याल की कि तौहीद का हकीकी मतलब क्या है? तौहीद में से डिसिप्लिन निकलता है। तौहीद में से हम जिसको इत्तेफाक कहते हैं, वो इत्तेफाक यानी यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, यूनिटी ऑफ डिसाइपल्स, यूनिटी ऑफ वर्शिपर्स। जिंदगी के हर शोबे के अंदर डिसिप्लिन होवे और यूनिटी होवे, ये तौहीद का एक भाग है। सिर्फ ये कह देना कि खुदा सिर्फ अकेला है, वाहिद नहीं बल्कि अहद है, यह काफी नहीं। इसको हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं। मैं आपको
स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और बहुत वास्ट है, मुझे इसकी जरूरत पड़ी। मैं जमात खाने के अंदर कभी भी कोई सब्जेक्ट तैयार करके नहीं आता, बहुत दफा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है खूब तैयारी करके आओ मगर इधर वो चीज होती ही नहीं, या भूल जाता हूं या कोई और ख्याल आता है। मैंने कभी तैयारी नहीं की, जो मौला को मंजूर होगा वो बोलेगा। तौहीद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर की कि कहो खुदा अहद है, तो मुसलमानों ने इस चीज को कबूल किया। यहां एक पॉइंट देखने का यह है कि जितने भी अव्वलीन मुसलमान थे, यानी सबसे पहले जिन्होंने ईमान लाया, उन्होंने कोई उजर नहीं किया, कोई दलील नहीं की, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जैसे ही रसूल खुदा ने कहा कि खुदा अहद है, उन्होंने कबूल किया। आपकी नबुवत जाहिर होने में सबसे ज्यादा जिस किसी ने मदद की हो, नबुवत जाहिर होने में, वो बीबी खदीजा थी। रसूल अकरम तो जन्म से नबी थे। मैं इस पॉइंट को थोड़े वक्त से रिपीटेडली बोल रहा हूं, वैसे मेरी आदत नहीं है कि मैं एक ही चीज सब जगह रिपीट करके बोलूं, लेकिन एक दो ऐसी चीजें हैं कि मुझे रिपीट करने की जरूरत पड़ी। हम इस्माइली मुसलमानों के अंदर वो सेक्शन है कि जो बाकी 72 सेक्शंस हमारे नजदीक बिल्कुल नहीं आते, यानी हमारे ईमान, हमारी समझ, हमारे मजहब के प्रिंसिपल्स के वो लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच नहीं सकते। 73 सेक्स में से, जो कि आज शायद इससे ज्यादा भी हो गए होंगे, मगर रसूल अकरम फरमाया कि यहूदियों के अंदर 71 सेक्शंस हुए, क्रिश्चियनों के अंदर 72 और मुसलमानों में 73 होंगे। हमारा सेक्ट उसमें है, और खुद हमारे सेक्ट के अंदर से भी, हमारे इस्माइली फिरके में से भी और भी छोटी छोटी ब्रांचेस बहुत हो गई, जैसे कि दुरूज हैं, या जिस तरह से जैदिया हैं, या इसनाशरी हैं, या बोहरे हैं, इस तरह हमारे मजहब में से फिरके कुछ हो गए। मगर मैं अपनी बात करता हूं, निजारी इस्माइलियों की बात करता हूं, हम निजारी इस्माइली हैं। रसूल अकरम ने अपनी नबुवत जब जाहिर की तो आपकी उम्र 40 बरस की थी। मैंने आपको अर्ज की कि रसूल अकरम जन्म से ही नबी थे। आपकी हम सीरत पढ़ते हैं तो हमको इस बात का बहुत सा एविडेंस मिलता है, हालांकि हमको आम मुसलमानों की लिखी हुई किताबों में से ये चीज कोई मिलती नहीं कि नबी करीम जन्म से नबी थे। ना उनको हदीस में से मिली, शायद उनको कुरान में से मिली कि नहीं मिली, मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने किसी भी बड़े बड़े आलिम की किताब, जो आज बहुत पुरानी किताबों में से भी है, 1400 साल से मुसलमान आलिमों ने रसूल अकरम की सीरत यानी लाइफ बायोग्राफी लिखी, मगर मुझको यह चीज कहीं नहीं मिली, पीर सदरुद्दीन से मिली। और जब पीर सदरुद्दीन ने हमको ये कहा तो मुझको ख्याल हुआ कि क्यों किसी और ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया। फिर वो चीज कुरान में से मिली। पीर सदरुद्दीन कहते हैं, फरमाते हैं, ओ जी रे भाई रे, सत सरग कई खुले छे दुआ कई खुले छे दुआ
محمدنا نبي محمد جنامي نبي محمد جنامي. پیروں کے کلام میں کتنا رس اور مٹھاس ہے. ایک تو پیروں کی کمپوزیشن تول کے سلیکٹ کر کے اس میں لگائے ہوئے شبد ورڈز, اور پھر پیروں نے گنا جب ہی کتھے تو جماعت کو اس کے راگ بھی سکھائے. خود پیر جماعت خانے میں آ کے گنان راگ سے بولا کرتے تھے. پیر تو ایک گرو کی مثال ہے, ایک ماں کی مثال ہے. صدر دن کہتے ہیں جب نبی محمد دنیا کے اندر بدنی طور پہ پیدا ہوئے, شاریرک طور پہ پیدا ہوئے, جنم لیا, تو خدا نے سات جنتوں کے دروازے کھول دیے. جنت کے سات طبقے ہیں. سب سے نچلا درجہ جو ہے اس کو جنت کہتے ہیں, اور سب سے اونچا درجہ ہے اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں, فردوس بری بھی کہتے ہیں. خدا نے ساتوں طبقوں کے جنت کے دروازے کھول دیے. ضرور کوئی ایسی بڑی بات تھی. راجے مہاراجے ان کے گھر میں جب کوئی شہزادہ پیدا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ شہزادہ کہ جو اپنے باپ کی تخت نشین ہونے والا ہے بعد میں, اس کے لیے تو قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں, بے حساب مٹھیاں بھر بھر کے لٹایا جاتا ہے خزانہ, اور نوازشیں دی جاتی ہیں, ٹائٹل دیے جاتے ہیں, اور ان کو میڈل دیے جاتے ہیں, شالے اور جبے دیے جاتے ہیں. ہر طریقے سے اس چیز کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اور طرح کی سیلیبریشن اس درجے کی نہیں ہوتی. ایون بادشاہ کی تخت نشینی کا بھی دن اس زور شور سے نہیں مناتے کہ جب اس کے گھر میں کنور پیدا ہوتا ہے, پرنس پیدا ہوتا ہے. خدا تعالی کی تمام خدائی میں, تمام مین کائنڈ کے اندر ایک عظیم واقعہ ہوا. نبی محمد نے جنم لیا, اور وہ نبی محمد کہ جس کے نور سے تمام یونیورس پیدا کیا خدا نے, خدا کی تمام کریشن نبی محمد کے نور سے پیدا کی. اس لیے خدا تعالی نے گنہگاروں کو معاف کر دیا, جو ابگتیے تھے, ڈیٹینڈ تھے, ان کو بخش دیا, جنت کے دروازے کھول دیے کہ سب کے گناہ معاف کر کے جنت کو بھر دو. سات سرگنا کھلیا دوار جس دن نبی محمد جنمیا. وہ کوئی معمولی انسان نہ تھا, نبی محمد جنمیا. نبی اور محمد کا لفظ ایک بنا کے پیر نے جنم کے ساتھ لگایا, یعنی جنم سے محمد نبی تھے. میں نے آپ کو عرض کی کہ میں نے بہت کتابیں پڑھی دیکھی, مگر کہیں بھی کسی مسلمان کی کتاب میں مجھے یہ چیز نہ ملی کہ حضرت رسول اکرم جنم سے نبی تھے. شیعوں کی کتابیں بھی دیکھی, سنیوں کی بھی دیکھی, لیکن پیر صدر الدین نے کمال کر دیا. مگر پیر صدر الدین نے ضرور کسی طاقت کے اوپر, کسی اتھارٹی کے اوپر ایسا کہا ہوگا. پہلی اتھارٹی تو یہ ہے کہ پیر صدر الدین کا جو پیری نور ہے وہ محمد ہی کا نور ہے. گر پیر صدر الدین, گر پیر حسن کبیر دین, گر پیر شمس الدین, گر پیر نصیر دین, گر پیر نور الدین ستگر, گر پیر صلاح الدین, آپ پٹھیوں کی لسٹ پڑھ لو تو مولانا شاہ کریم حضر امام تک 50 پیر ہیں. مولانا حضر امام خود پیر ہے, خود پیر ہے. بہت عرصہ ہوا خصوصاً حضر امام کے اس جامعے کے اندر ایسے واقعات بنتے رہے کہ خود مشنریوں نے بھی پیری کے متعلق جماعتوں کے اندر واضحیں یا چھوڑ دیں یا بھول گئے یا ٹائم نہیں ملا, واضح نہیں ہوتی رہی. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ پیر کیا ہے. توحید جو یونٹی آف گاڈ ہے, اس کے اندر پیر ایک ڈائمنڈ جیسا ننگ ہے. توحید کے اندر پیری اس کا بھاگ ہے, اس سے پارٹ آف توحید. میں آپ کو عرض کرتا ہوں,
कुरान पढ़ते 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 सूरह मरियम के अंदर एक वाकया जिक्र किया कि मुझको सदरुद्दीन का ये गिनान याद आया, 1,24,000 नबियों के सरदार सरवर कायनात के, जिसके नूर से खुदा ने दुनिया बनाई, जिसके नूर से क्रिएशन बनाई गई, खुदा के इस हबीब और प्यारे की सिफत में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मोहम्मद की सिफत करना खुदा की इबादत है, मोहम्मद का नाम लेना भी खुदा की इबादत है। सूरह मरियम में खुदा एक हिस्टोरिकल किस्सा बयान करता है। बीबी मरियम, जब आखिरी दिन आए आपके हमल की डिलीवरी के, तो वो जमात खाने में रहती थी। मैंने जमात खाना इसलिए कहा कि उस जमाने के अंदर जमात खाना तो नहीं था, आपको शायद समझा दूं कि वो जमाने के अंदर उसको हैकल कहते थे, सिनेगोग, मस्जिद, जमात खाना, इबादतगाह, कुछ भी समझ लो। बीबी मरियम इबादतगाह के अंदर रहती थी, वहीं रहती थी, वहीं कुदरत खुदा से उनका हमल ठहरा। और जब ये आखिरी दिन 2-3 दिन नजदीक रह गए तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, वही अता की, ऐ मरियम ये पाक जगह है। मैं आपको हर पॉइंट में से कुछ पॉइंट निकाल के बताना चाहता हूं। खुदा कहता है मरियम ये पाक जगह है, यानी इबादत की जो जगह है वो पाक जगह है। मैं आपको रिपीट करके कह रहा हूं कि जमात खाना है वो पाक जगह है और अल्लाह के फरमान से पाक है, इसलिए जमात खाने की बहुत इज्जत करो, क्योंकि ये इमाम के नूर का घर है, हजरत इमाम के आप खुद का घर है। शाहपीर का नूर जमात खाने में 24 घंटे मौजूद है। ऐसा नहीं समझना दीनदारो कि मुखी ने दुआनियत खैर कह दी तो अब इसको सोशल हॉल बना दो, इधर नाच रंग करो, कुछ भी करो, गप्पे मारो, चटा मखरी करो, कुछ भी करो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हजर इमाम का घर है, हजर इमाम हमको बुलाते हैं, देख तू रोज आया कर मेरे जमात खाने मेरे घर पे। किसी को कहता तू सुबह भी आया कर, किसी को कहता तू शाम को भी आया कर। और जिनको खुदा पसंद नहीं करता मौला उनको जमात खाने में नहीं आने देता। मौला जिसको पसंद नहीं करता, ये एक नॉर्मल बात है कि अगर मेरे घर में अगर कोई आएगा या मैं किसी को बुलाऊंगा तो अपने दोस्त और प्यारे को बुलाऊंगा, मगर जिसको मैं पसंद नहीं करता अगर मुझे मिल भी जाए कि मिशनरी साहब मुझे आपसे मिलना है, तो कहेंगे चलो किसी रेस्टोरेंट में, चलो फलानी जगह, मैं घर नहीं आने दूंगा उसको। हाजिर इमाम जिसको चाहता है उसको ही अपने घर में आने की रजा देता है, और जमात खाने के दरवाजे पे खड़े होके हम उसका इज़्ज़त मांगते हैं, है जिंदा, जवाब मिलता है कायम पाया। ये जो हाजिब है जिसको हम दरबान कहते हैं, अरबी में हाजिब कहते हैं, जिसको हम जमात भाई कहते हैं, हकीकत में वो हजर इमाम का चैम्बरलेन है। जमात भाई उसका दर्जा जमात में तमाम जमात से बड़ा है, मुखी कमरी अमलदारों के बाद वो जमात भाई है, वो हजर इमाम का चैम्बरलेन है। वो लोगों को अंदर आने देता है और वो लोगों को कहता है कायम पाया आओ अंदर, इमाम ने तुम्हें बुलाया है, आओ बैठो। और जमात भाई का ये काम भी है जो कि इधर करते कि नहीं करते, कि वो लोगों को जमात को अपनी जगहों पे बिठाए, जैसे राजा रजवाड़ों के दरबार में उनको उनकी पद्धति के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, उनकी इज्जत के हिसाब से, दर्जे के हिसाब से उनको बिठाया जाता है। हमारे अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसे वॉलंटियर्स हैं भाइयों भाइयों में के जो जमात वालों को लाइन में बिठाते हैं। यूनिटी का ये एक और भाग है कि जब हम जमात खाने के अंदर आवे तो हमारे अंदर ऐसी यूनिटी, ऐसा डिसिप्लिन होवे कि जितना बन सके मौला के तख्त के नजदीक आके बैठे। ये मौला का घर है, मौला अपने लिविंग रूम में बैठा है, हमको बुलाया गया है कि मेरे घर पे आना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि मौला की कुर्सी उसके तख्त के जितना बन सके इतना नजदीक बैठे, ताकि हम उसकी रूहानियत को ज्यादा उठा सकें,
वो लोग के जो बिल्कुल आगे बैठे हैं और वो लोग के जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं, दोनों को दीदार के लेवल में फर्क है, दोनों के दीदार के लेवल में फर्क है। अलबत्ता हजर इमाम दीदार देता है और जो दुआसिस देता है तो वो सबके लिए एक जैसी है, उसमें फर्क नहीं। मगर इमाम के नजदीक कौन बैठे, जो इमाम का ज्यादा प्यारा हुए या इमाम जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देवे, उसको हजर इमाम बोलते हैं आगे आओ मेरे पास बैठो। हजर इमाम का तखत कौन सा है, वो कोने में पड़े हुए ये तखत नहीं जहां मुखी कमड़िया बैठते हैं, जिधर मुखियानी कमड़ियानी बैठती हैं। ये हजर इमाम की गादी है कि उसके ऊपर हजर इमाम के ये दो वजीर बैठे हैं, राइट और लेफ्ट हैंड, के जो जमात को इमाम की बख्शिशें और बरकतें देते हैं, खनावादान कह के दुआएं दे के, और इमाम की तरफ से हमारी मुरादें, हमारी दुआएं, हमारे नजराने, हमारी मेहमानियां, हमारी नियतें, हमारी नजरें कबूल करते हैं। तो जमात खाने के अंदर जो आदमी मुखी कमरिया के पाठ के नजदीक जितना बैठता है उसको उतना ज्यादा सवाब मिलता है, उतना ज्यादा सवाब मिलता है। और जब सवाब बांटा जाता है तो वो आगे वालों से बांटा जाता है, पीछे वालों से नहीं बांटा जाता, आगे वालों से बांटा जाता है। जमात खाना मौला का घर है। मैं अपनी वाजों में अलग अलग तरीके से जमातों को एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूं। कुछ वर्षों से, यानी तकरीबन 30-40 बरस हुए, शायद इससे कम हुए होंगे, अभी आदत हो रही है लोगों की कि जमात खाने के अंदर लंबे पांव करके बैठ जाते हैं। लंबे पांव करके जिस तरफ हमको सजदा करना होता है उस तरफ तो सामने हजर इमाम बैठा है, अब जहां सर झुकाना है उसकी जगह आपने लंबे पांव कर दिए, ये तो सख्त बेअदबी और हजर इमाम की डिसरिस्पेक्ट है, ये तो अजीम गुनाह है। कनाडा में एक जगह मैं वाज करने गया और मेरी वाज के दरमियान एक आदमी बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और उसने लंबे पांव कर दिए, मेरी नजर पड़ी, मैंने तो कह दिया। और मैं कभी ख्याल नहीं करता कि छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, मजहब की जहां भी खराबी देखी मैं टोक देता हूं, फिर वो माने ना माने उसको खुशी की बात है। मौला के दरबार के अंदर मैं पकड़ा ना जाऊं, मौला पूछेगा तूने जमात को क्या ये बदियां सिखाई, मैं कहूंगा नहीं खुदावंद मैं तो कहता रहा नहीं माने। तो मैंने उस आदमी के पांव सीधे करवाने के लिए अर्ज की मगर वो हठीला शख्स था, बच रहा, मैंने छोड़ दिया, अपनी आवाज मेरी जारी रही। जमात खाना खत्म हुआ तो जमात खाने के उधर ही बाहर ही उसने आके मेरे से बड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा देख तूने सामना किया शापीर का, मुझे ऐसा हुआ कि तू इग्नोरेंट है, मैं तुझको कहूं कि पांव सीधे कर, मगर तूने पांव सीधे नहीं किए, तू जान मौला जाने गड़बड़ बहुत की, मैं चला गया। मुझे बहुत अफसोस है, उसके लिए दुआ मांगता हूं। 2-3 वीक के बाद एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे कट गई। अब वो मुझे ढूंढता फिर 1-2 महीने के बाद, हॉस्पिटल में रहा 1-2 महीने, ठीक हुआ, टांगे तो नहीं रही, घुटनों से दोनों टांगे कट गई, व्हीलचेयर के ऊपर आया। कुछ टाइम के बाद वापस मैं उस गांव में गया तो मेरे पास आके पांव को हाथ लगाए, हाथ जोड़ के खूब रोया। मैंने कहा देखो बेटे तुम मेरे बच्चे हो, मौला तुझे मुआफ करे, तुमने मेरा गुनाह कोई नहीं किया, तुमने गुनाह किया तो इमाम का किया, हो सकता कोई और वजह से तुझको ये सजा मिली होवे। कहता नहीं मुझे ये सजा इसलिए मिली। अच्छा मौला तेरे ऊपर रहम करे। कहने का मेरा मकसद यह है कि बाज दफा खुदा ताला जल्दी सजा दे देता है, बाज दफा देर से देता है, कभी तो 1 वीक में सजा मिल जाए तो कभी 10-20 बरस में भी नहीं मिलती, और आदमी भूल जाता है। और कब हमको कौन सी सजा मिलेगी किस गुनाह की वजह से हमको याद नहीं है, लेकिन मौला का कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। ये डिसिप्लिन की बात आती है, और डिसिप्लिन जो है ना इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड। बीबी मरियम को हुक्म हुआ बाहर निकल जाओ, क्यों, कि ये पाक जगह है, खुदा कहता है ये पाक जगह है, तो हकीकत में पाक है। बीबी मरियम बाहर चली गई,
बाहर का जो मैदान था हैकल के नजदीक ही दरख्तों का यानी जो खजूर के दरख्त थे पाम्स इनके बहुत से क्लस्टर की तरह ऐसे दरख्त थे कि अंदर छोटी सी कोठड़ी की तरह बन गई थी। एक दो जगह दरख्त थोड़े फासले पे थे तो आदमी अंदर जा सके और ऊपर दरख्त के ये जो पाम के पत्ते थे उन्होंने छाया कर डाली। बीबी मरियम वहां जाके बैठी। दूसरे या तीसरे दिन इनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने जन्म दिया। कोई नजदीक नहीं आया, किसी को पता भी नहीं लगा, लेकिन अल्लाह ने दो हूरें भेजी इसकी मदद के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा हुए। क्रिश्चियन खुद कहते हैं कि ईसा जो थे वो 30 बरस की उम्र में नबी बने और उनको उनकी नबूवत बताने के लिए या उनकी नबूवत को डिक्लेयर करने के लिए क्रिश्चियन कहते हैं कि उनको हजरत यहया ने बैप्टाइज किया, जिसको इंग्लिश के अंदर जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। जॉर्डन नदी के अंदर ले जाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत यहया ने बैप्टाइज किया। ये उनका वर्शन है, हमारा नहीं। ईसा नबी रसूल थे, यहया नबी थे मगर रसूल नहीं थे, और रसूल का दर्जा नबी से ऊंचा होता है। तो एक नीचे वाला आदमी उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन इंट्रोडक्शन दे सकता है, जो यहया नबी ने किया, या जिस तरह रसूल अकरम ने मौला अली का हाथ पकड़ के लोगों को बताया कि ये तुम्हारा मौला है। बीबी मरियम ने चंद दिन उधर आराम किया। जब तीसरा दिन हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद इतनी कमजोर हो गई कि कहा कि अल्लाह भूख लगी है लेकिन बदन में ताकत नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ, उधर की बात करता हूँ, तो खुदा के हुक्म से एक दरख्त खजूरों से भरा हुआ जिसको पकी हुई खजूरें लगी हुई थी, वो इतना झुक गया कि बीबी मरियम उठ के उसमें से वो खजूरें तोड़ तोड़ के खाती रही और इनके बदन में ताकत आई। कुछ दिनों के बाद बीबी मरियम को हुक्म हुआ कि अब तुम ये बच्चे को लेके गांव में जाओ। बीबी मरियम बच्चे को लपेट के गोद में उठा के जब निकलने लगी तो खुदा ने फरमाया, ऐ मरियम, बोलने का रोजा रखना, यानी बिल्कुल बोलना मत। जिस तरह हम खाने का रोजा रखते हैं, इसी तरह से बोलने का रोजा भी है, और दिनदारों इसी तरह नींद का रोजा भी है। ये बैतुल ख्याल की साइड की चीजें हैं। बीबी मरियम को हुक्म हुआ कि ऐ मरियम, बिल्कुल बोलना नहीं, चाहे लोग तुम्हें कितना भी सताएं, बोलना नहीं, और अगर तुमसे कोई पूछे, कोई सवाल करे, तो इसकी तरफ यानी हजरत ईसा की तरफ, के जो एक महीने के भी नहीं थे, 2 के 3 वीक की उम्र थी उनकी, अल्लाह फरमाया इसकी तरफ इशारा कर देना, ये उनका जवाब देगा। हुक्म से बीबी मरियम बाहर निकली, गोद के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब गांव के नजदीक पहुंची तो लोग इकट्ठे हो गए, ए मरियम, ये तूने क्या किया? तेरे माँ और बाप तो बड़े पाक आदमी थे, तेरे माँ और बाप तो बड़े नेक थे, तूने क्या किया? यानी ये तूने क्या किया, ये इशारा ये था कि तूने शादी तो नहीं की और बच्चा जना, यानी ये गाली है ना। कहने लगे, तेरे माता पिता तो बहुत नेक और पाक थे, ये तूने क्या किया, कितना बड़ा अटैक है ये। लेकिन हुक्म था मरियम को बोलना नहीं, उसने इशारा किया इसकी तरफ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2-3 वीक के बच्चे बोलने लगे, खुदा ने मेरे को नबी बनाया है, खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे हुक्म किया है कि मैं लोगों को नमाज और दसवंद पढ़ने का दसवंद देना सिखाऊं। कुरान पाक के अंदर लफ्ज है सलात और ज़कात, हमारे अपनी जबान के हिसाब से दुआ और दसवंद, उसको नमाज और ज़कात कह लो, कुछ भी कहो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, औरतों ने अपने मुंह में कपड़े ठूंस लिए, अरे 2 वीक का बच्चा ऐसी बातें करता है कि जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होवे। अब 2 वीक का बच्चा अगर ये कहे कि खुदा ने मुझे नबी बनाया है, तो ये बात सिद्ध होती है कि नबियों को खुदा जन्म से ही नबुवत देता है, नबियों को खुदा ताला जन्म से ही नूर अता करता है,
लेकिन खुदा वेट कराता है जब तक के वो नबी दुनियावी हिसाब से जिस्मानी तौर पर फिजिकली तैयार ना हो जाए, या उस वक्त का एनवायरमेंट या सर्कमस्टांसिस ना हो जाए। जब हुक्म इलाही होता है तब अपनी नबूवत का ऐलान करता है, वगरना नबी तो जन्म से नबी है। फिर सदर दिन का जो ये कहना है कि मोहम्मद की जन्म के ऊपर सात सड़क के खुदा ने दरवाजे खोल दिए, वल्लाह ये कुरान के साथ मिलता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया करते थे कि पीर सदर दीन ने कुरान शरीफ की तफसीर तुमको गिनानों में दी है। इन गिनानों को जिसके ऊपर अटैक हो रहे हैं पढ़े लिखे लोगों से, मगर उन पढ़े लिखों ने इस्माइली मजहब की कभी स्टडी की ही नहीं, डिग्रियां ले ली, मगर वो कहते हैं अरे ये गिनान तो पीरों ने हमको हिंदुओं में से बटलाने के लिए किए। अच्छा, अब इसमें कौन सी हिंदू की बात है कि सात सड़क के दरवाजे खोल दिए जब नबी मोहम्मद पैदा हुए। हाँ, एक बात जरूर है हमारे गिनानों के अंदर कि पीरों ने हिंदुस्तान के जूने पुराने राजाओं की या भक्तों की या ग्रेट मेन की स्टोरियां बयान की हैं गिनान के अंदर। तो अब कुरान देखो, 1/3 कुरान जो है वो स्टोरीज किस्से कहानियों से भरा है, 1/3 कुरान जो है उसमें लॉ है यानी शरीयत के कायदे हैं, औरत का आधा हक मर्द से, या औरत की विटनेस के लिए दो औरतें चाहिए, उस जमाने की बात करता हूं। अल्लाह ताला ने 1/3 कुरान में लॉज बनाए हैं, शरीयत दी है, 1/3 कुरान उसके अंदर किस्से कहानियां हैं, नमरूद का, फराउन का, काफरों का, अच्छे लोगों का, जो मुसलमान नहीं थे उनका भी, कुत्ते बिल्लियों गधों का जिक्र किया है कुरान शरीफ के अंदर, और जोक भी किया है खुदा ने कुरान के अंदर, एक सटल जोक है कुरान के पाक के अंदर। अल्लाह फरमाता है कि एक गधे को पकड़ के उसके ऊपर तुम इलम की किताबें लाद दो तो वो गधा कोई आलिम नहीं बनेगा। इसी तरह से हम दुनिया की बहुत सी डिग्रियां वगैरह लेके अगर हम बन गए हैं तो वो आलिम नहीं बनता, इस्माइली मजहब की स्टडी होनी चाहिए। हमारे इन लोगों ने कि जिन्होंने कुरान के ऊपर अपना आंख बंद करके हाथ रख दिया मगर पढ़ा नहीं, जिन्होंने हमारे गिनानों को वखोड़ना शुरू कर दिया, जिन्होंने पीर की इज्जत को बेइज्जती में बदल दिया, इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे गिनानों के अंदर कितनी बड़ी चीजें, कितना बड़ा इल्म हमारे पीरों ने हमें अता किया है। बीबी मरियम ने जब इशारा किया तो लोग हैरान हो गए, नबी मोहम्मद जब पैदा हुए तो सात सड़क के दरवाजे खुल गए। रसूल अकरम खुद फरमाते हैं कि मुझको जन्म के बाद ही फरिश्तों के सलाम करने की कतारें दर कतारें आती रहीं, यानी एक के बाद दूसरा ऐसा लाइन ब लाइन फरिश्ते रसूल अकरम को सलाम करने आते थे। बीबी आमना रसूल अकरम की जो पाक माँ है वो फरमाती हैं कि जब ये मौलूद यानी बच्चा मेरे पेट में था मेरे से बातें करता था, मैं उसकी बातें सुनती थी, वो मेरी बातें सुनता था और मुझको बहुत सी हिदायतें करता था। मैं कभी दुनिया की नजर से या मैं अपनी बीमारी की वजह से थक जाती थी या मुझको बुखार आ जाता था या मैं कभी डर जाती थी तो मेरे पेट में से मोहम्मद मुझको सहारा और ढारस दिया करते थे। रसूल अकरम की ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो आम लोगों को मालूम नहीं। तो नबी करीम जो थे ना वो खुदा का नूर थे। कौन सा नूर? कि जिस नूर से तमाम सृष्टि पैदा की। नबी फरमाया कि खुदा ने अपने नूर में से सबसे पहले मेरा नूर जुदा किया और मेरे नूर से तमाम सृष्टि बनाई। यहां चलते चलते बीबी मरियम और हजरत ईसा का मैंने आपको किस्सा बयान किया, मैं एक चीज बीच में डाल देना चाहता हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। उसमें भी एक बहुत बड़ी इंग्लिश में कहते हैं रिफाइंड सटलिटी है। वहां बीबी मरियम का जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आया, अल्लाह कहता है कि ये पाक जगह छोड़ के बाहर चली जा, पर बीबी मरियम चली गई, ईसा नबी की डिलीवरी बाहर हुई। मौला मुस्तज़ाली अलैहिस्सलाम की माता पाक
बीबी फातिमा बिनते असद, मौला की घरवाली का नाम भी फातिमा था मगर वो फातिमा बिनते रसूल थी, लेकिन मौला अली की माँ का नाम भी फातिमा था, वो फातिमा बिनते असद थी, और हजरत असद जो थे वो अबू तालिब के भाई थे और हजरत अब्दुल मुतलिब की नस्ल में थे। तो हजरत फातिमा जब आखिरी महीना बल्कि थोड़े ही दिन डिलीवरी के नजदीक थे तो हुजूर को ऐसा ख्याल आया कि शायद एक दो दिन में मेरी डिलीवरी होवे, तो चलो ना मैं खाना काबा में जाके इबादत कर लूं थोड़ी सी, फिर मालूम नहीं कि कितने दिन तक मैं जा ना सकूंगी। तो हजरत फातिमा मौला मुर्तजा अली की पाक माँ अकेली बाहर निकली, दोपहर से थोड़ा पहले का वक्त था और खाना काबा जो था वो मक्का से आपके घर से काफी दूर था, लगभग डेढ़ एक दो मील था। आहिस्ता आहिस्ता चलती रही चलती रही, मन के अंदर खुदा ताला के वखान और तारीफ करती रही। जब आप खाना काबा के नजदीक पहुंची तो पेट में दर्द होना शुरू किया, बहुत घबराई। खाना काबा जब से बना तब से उसमें कभी कोई खिड़की कोई विंडो कोई दरवाजा नहीं था, चारों तरफ से उसको पैक किया गया था, ऊपर छत डाली गई थी। खाना काबा को बहुत दफा नबी ने पैगंबरों ने खुदा के हुक्म से रिबिल्ट किया। कुरान पाक के अंदर खुदा ने जिक्र किया है कि इब्राहिम और इस्माइल को मैंने हुक्म किया कि मेरे घर को फिर से उसको आबाद करो और चंतर करो। वो जो फाउंडेशन थी जो हजरत आदम ने डाली हुई थी वो फाउंडेशन हमेशा रही और आज भी वही फाउंडेशन है, लेकिन खाना काबा बहुत दफा टूटा, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में भी बह गया, फाउंडेशन कायम रही। तो हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने मिलके ईंटे वगैरह बना के इसकी चंतर की, उसके बाद तो और भी दफा टूटा। तो यहां यह जो खाना काबा था चारों तरफ से बंद था, कोई उसके अंदर खिड़की नहीं थी कोई दरवाजा नहीं था। जब ये दर्द बढ़ने लगा तो कहने लगी, या अल्लाह ऐसी हालत में मैं कहां जाऊं, अगर कोई मर्द आ जाए तो मेरा हाल क्या हो, और घर मेरा दूर है क्योंकि उस वक्त इर्द गिर्द कोई इंसान भी नहीं था जानवर भी नहीं था। बहुत घबराई रोने लगी, ये नेचुरल फितरत है औरत की कि जब वो अपने आप को मजबूर महसूस करती है तो उसकी मजबूरी उसके आंसुओं से जाहिर हो जाती है। ऐ मर्दों जब औरत की मजबूरी के आंसू निकलें उसकी कदर करो उसकी मदद करो। बहुत से घरों में कई मर्द कह देते हैं ए मगरमच्छ के आंसू है, नहीं मर्दों को ये चीज समझनी चाहिए। औरतों की मैं साइज नहीं लेता हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। उसी वक्त खाना काबा की दीवार को हाथ लगाया, दूसरा हाथ हुजूर ने अपने पेट पे रखा, जैसे ही हाथ लगाया एक झटका सा लगा, हो सकता है अर्थक्वेक आया हो, लेकिन खाना काबा की दीवार टूट गई और इतनी अपार्ट हो गई कि हजरत माता फातिमा उसके अंदर घुस गई, और जैसे ही अंदर गई तो ये दीवार वापस मिल गई। इस खाना काबा के अंदर मौला मुर्तजा अली ने जन्म दिया। मरियम को कहा कि तू बाहर निकल, इस पाक जगह से बाहर निकल, क्योंकि तेरी डिलीवरी होने वाली है। और मौला अली की मां को कहा कि तू बैतुल्ला में जा, और वहां मौला अली का जन्म हुआ। मौला अली का जन्म अपने घर में हुआ। वो जो हैकल था वो जो इबादत गाह थी वो ईसा नबी की नहीं थी, मगर बैतुल्ला मौला अली का खुद का घर है। आप समझे मौला का दर्जा क्या है, मौला अपने घर में पैदा हुए। कि आज करोड़ों मुसलमान 1400 साल से और मुसलमानों से भी पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत और नस्ल में इस खाना काबा के प्रकरम किए जाते हैं, यानी उसके तवाफ किए जाते हैं, हज किया जाता है। इसको खुदा ताला ने सजदे के लायक बनाया, दुनिया भर के मुसलमानों को हुक्म किया इस तरफ मुंह करके तुम इबादत करो। किस तरफ मुंह करके, कि जहां मौला अली ने जन्म लिया। कैसी पाक जगह होनी चाहिए।
मौला मुर्तजा अली की ये बात को और भी सोच समझ के समझने की कोशिश करो, इसमें से आपको हमारे इस्माइली मजहब का एक आला दर्जे का पॉइंट मिलता है कि जो इमाम है वो अल्लाह का नूर है। रसूल अकरम ने मुसलमानों को सबसे पहले जो चीज सिखाई वो क्या था कि खुदा को एक मानो, यानी वाहिद मानो, खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, वहदहु ला शरीक है, बिल्कुल अकेला है, उसका कोई शरीक भागीदार कोई नहीं, ना उसका कोई सगा है, ना उसका कोई बच्चा है, ना वो किसी का बच्चा है, यानी जो हम जिस्मानी रिश्तेदारियां समझते बनाते हैं अल्लाह इससे बिल्कुल ऊंचा है, आला है, वो महज नूर ही नूर है। कोई भी मटेरियल चीज उसके साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। शिर्क इस्लाम के अंदर अजीम गुना है, हम इस्माइलियों के अंदर भी शिर्क जो है वो अजीम गुना है। शिर्क उसको कहते हैं कि खुदा के सिवा किसी और को भी खुदा माना जाए। माफ करना, बूढ़ा हो गया, वहां नहीं हो रहा है जी। नबी मोहम्मद बुझो भाई तो तुम पामो इमाम, मुशरिक मन तो काफर कहिए, मोमन दिल कुरान, इलाही भेद तंतवन मलीज। मोहम्मद को पकड़ो तो तुम्हें इमाम की, अली की शनाखत मिलेगी, मगर जिसके दिल के अंदर शर्क भरा है वो अल्लाह के सिवा किसी और की भी पूजा करते हैं, मानते हैं, वो काफर हैं। लेकिन मोमन का दिल जो है वो कुरान की तरह पाक है। क्यों? कि मोमन खुदा के फरमान पे अमल करता है। शिर्क में सिर्फ यही नहीं कि हम किसी इंसान को खुदा के बराबर समझें, शिर्क के जिस तरह तौहीद बहुत आला दर्जे की चीज है और तौहीद बहुत चीजों के ऊपर कवर की हुई है, इसी तरह से शिर्क भी कोई सिर्फ इतना कह देने से कि आदमी इंसान को खुदा नहीं मानना चाहिए तो ये शिर्क पूरा नहीं होता। खुदा से मोहब्बत जो है ऐसी या इससे थोड़ी, मगर खुदा के सिवा किसी और चीज को हम इबादत के दर्जे तक पहुंचा देवे तो वो शिर्क है। इसीलिए हम इस्माइलियों ने अपने इमामों की जो शनाखत है वो तौहीद के दर्जे तक रखी हुई है, यानी हजरत इमाम जो है वो अल्लाह का नूर है। मगर किस तरह? इमाम की जो बॉडी है वो तो एक कपड़े की तरह है, हजरत इमाम का जो बदन है वो पैदा हुआ जिस तरह अली नबी पैदा हुए, 1,24,000 पैदा हुए नबी, मगर वो कोई खुदा नहीं थे। इमामों का बदन भी, पीरों का बदन भी, नबियों के बदन भी कुदरती तरीके से ही पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बेबीज होते हैं और रोते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, दूध पीते हैं, गोश्त नहीं खाते, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान बनते हैं, बूढ़े होते हैं, गुजर जाते हैं। लॉ ऑफ नेचर जो है वो हर मटीरियल चीज के ऊपर हावी है। अलबत्ता हम जिस तरह एक पानी के गिलास को पानी के वास्ते ही यूज करते हैं या दूध का बर्तन दूध के लिए ही यूज करते हैं, और हम कभी दूध के बर्तन को टॉयलेट में नहीं ले जाते यूज करने के लिए, तो दुनिया के अंदर इमामों, पीरों के, नबियों के जो बदन है वो तमाम दुनिया के इंसानों, बल्कि तमाम दुनिया की जितनी भी मटीरियल चीजें हैं इन सबसे ऊंचे दर्जे के और पाक होते हैं। भले बदन है, भले वो खुदा के लॉ के अंडर हैं, मगर फिर भी तमाम दुनिया की तमाम चीजों के कंप्लीट मटेरियल जो है, मैटर जो है, उसके ऊपर उनका दर्जा होता है। इसीलिए दीनदारों नबियों, पीरों, इमामों की बॉडी दफन करते हैं लेकिन जमीन उनको खाती नहीं, जमीन खाती नहीं,
आग अगर आज हमको मालूम हो जाए कि इब्राहिम नबी कहाँ दफन है, तो 4,500-5,000 वर्ष के बाद अगर सचमुच हमको निशान मिल जाए, तो इब्राहिम की कब्र खोदने से हजरत इब्राहिम की बॉडी आज भी ऐसी ही पड़ी होगी। क्यों? कि रसूल अकरम ने फरमाया है कि जो मिट्टी है वो नबियों के बदन को नहीं खाती, हालांकि उनका बदन बहुत आला दर्जे का है, फिर भी इंसानी बदन है, मगर खुदा ताला ने मिट्टी को हुक्म किया है उनके बदन को न खाओ। ये तो नबियों के बदन की बात करता हूं। 1948 में मैं दारुसलाम से मौला के हुक्म से पाकिस्तान गया, नवंबर का महीना था 48। वहां उस जमाने के अंदर अमीर पीर का मेला होता है सिंध के अंदर, तो मेरे को इस्माइली एसोसिएशन, उस वक्त डॉक्टर पीर मोहम्मद हूद भाई थे, मुझे बोला मिशनरी साहब आप भी जाओ ना, 5-7 मिशनरी जाते हैं, 2 दिन का मजलिसें होती हैं, हजारों आदमी आते हैं ये अमीर पीर के मेले के अंदर, गैर कौम के लोग भी आते हैं। हजरत अमीर मौला मुर्तजा अली का लकब है, मौला मुर्तजा अली उधर कभी आए नहीं, लेकिन कहते हैं कि मौला मुर्तजा अली का उधर पांव लगा हुआ है, मैंने तो देखा नहीं है। इस्माइली और गैर इस्माइली उधर आते हैं, अपनी मजलिस बनाया करो और मिशनरी भेजे जाए। उस जमाने में रिक्रिएशन क्लब के मिशनरी वहां जाया करते थे। तो अमीर पीर का जो मेला लगता है, इस मेले के अंदर वाजे वगैरह होती है, तो मैं कराची से कार में निकला। अमीर पीर का मेला पूरा हुआ, अभी मैं रास्ते में ही था, तो एक बहुत अजीम इवेंट हुआ। अपना एक इस्माइली इंजीनियर सक्खर के नजदीक सिंधु नदी के अंदर से एक कैनाल खोद रहा था, ताकि इस कैनाल से इरिगेशन हो सके, और ये ऐसी कैनाल थी, सिंधु नदी में पानी बहुत भरा हुआ है, ये ऐसी कैनाल थी कि तकरीबन 100 या मोर स्क्वेयर माइल के एरिया के अंदर खेतों में पानी जाए। ये कैनाल प्लान के हिसाब से चलती चलती झिरत के नजदीक आके इधर 71 बॉडीज निकली, इनको खोदा गया, 71 बॉडियां निकली आदमियों की, किसी की तलवार कट चुकी थी, यानी उसको जंग लग गया था, बूट उनके सड़ गए थे, चमड़े के खाए गए, बदन के कपड़े भी खाए गए, थोड़े थोड़े पैचेस रह गए, लेकिन उनके बदन के ऊपर उनके बाल, उनकी आंखें, उनके पापन, उनकी आईब्रोज, उनकी दाढ़ियां, उनके मूछें, उनके दांत, कान, हाथ पांव इस तरह सलामत थे कि जैसे 2-3 दिन ही हुए उनको दफन किया गया है। हजारों लोग उनको देखने गए, मैं खुद भी देखने गया। बाद में पता लगा हसन अली शाह माँ बाप ने जब मीर के सामने लड़ाई की, सिंध के मीर के सामने, तो इस मुकाम के ऊपर झिरत पे ये लड़ाई हुई और उसके अंदर 70 इस्माइली शहीद हुए, 70। एक दूसरा कोई इमाम का गुलाम था, ये 71 बॉडियां, सबकी जुदी जुदी कब्र न बनाई गई, ये 71 बॉडियों को बाजू बाजू में सुला के उन्होंने सबको एक ही कब्र में दफन कर दिया। ऊपर तो बिल्कुल मैदान था, कोई निशान कुछ नहीं था, मगर कैनाल खोदते खोदते जमीन के अंदर 6-7 फुट से ज्यादा गहरी ये बॉडीज निकली। किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया, मिट्टी ने भी सलाम किया और मिट्टी ने उनके बदन को नहीं खाया। अगर मोमन आला दर्जे के जो अपने इमाम के ऊपर शहीद हो गए, अगर उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती, तो नबियों इमामों के बदन को नहीं खा सकती, वो तो बहुत ऊंचे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, शहीदों को मरा हुआ न समझो, वो जीते हैं। वो किस हालत में जीते हैं, ये टॉपिक आज का नहीं है, किसी और वक्त का भी ख्याल आया तो आपको बताऊंगा, मगर उनकी ये बॉडीज इस तरह, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको ढक दिया, वहां उनको एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है और कैनाल का नक्शा बदल दिया, डायरेक्शन बदल दी। मैंने आपको अर्ज की कि हजरत रसूल अकरम मौला मुर्तजा अली, तमाम नबी, तमाम इमाम, तमाम पीर, उनकी बॉडीज इंसानी बॉडीज है, मगर उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। क्यों? कि उसके अंदर खुदा का नूर है, नबी का नूर है। मौलाना हजरत इमाम के बदन की पूजा हम नहीं करते, मौलाना हजरत इमाम के बदन की हम वो हालत नहीं कहते, या हम वो हालत नहीं समझते कि जो हिंदू लोग किसी पत्थर को मान के भगवान कहते हैं,
या वो राम और कृष्ण का बहरूप बदल के उसके सामने हाथ जोड़ के उसके पांव पड़ते हैं, हम इस तरह नहीं करते। हाँ, हम मौला के सामने हाथ जोड़ते हैं, उसके पांव पड़ते हैं, मगर पूजा के लिए नहीं, उसकी इज्जत के लिए। आप अगर सीरत नबवी पढ़ो तो आपको बुखारी में, मुस्लिम में, मिश्कात में कॉमन हदीस है ये कि नजरान के लोग जो मुसलमान हो गए थे और एक और कबीला था जो यमन के नजदीक था, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो रसूल अकरम का दीदार करने और बैत करने के लिए ये मदीना आए। मगर जब वो मदीने की गलियों में आए तो दूर से रसूल अकरम चले आते थे, तो जब नबी को देखा तो लोगों ने दुरूद पढ़ना शुरू किया, तो ये जल्दी से अपने अपने ऊंटों और घोड़ों से छलांगे मार के नीचे उतरे और सब के सब तमाम रास्ते के अंदर लोगों के सामने रसूलुल्लाह के पांव पे सिर रखा और रसूल अकरम के पांव की खाक लेके इन्होंने अपने मुंह पे मली, रसूल अल्लाह का हाथ चूमा। नबी ने कुछ नहीं कहा, ये कोई पूजा ना थी, रिस्पेक्ट थी, मोहब्बत थी। हम भी अपने मौला का हाथ चूमते हैं, हम उसके पांव को हाथ भी लगाते हैं, ये पूजा नहीं है। इस्लाम इस चीज को बिल्कुल मना नहीं करता। मुसलमान और किस्म के हैं, मुसलमान तो मस्जिदों के अंदर जाके, कब्रों के ऊपर जाके पूजा करते हैं, कब्र को पानी से धो के वो पानी पीते हैं, कब्र को पानी से धो के अपने घर ले जाते हैं, छांटे देते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते। एक मुझे वाकया याद आ गया, 1934 में मैं इलाहाबाद कानपुर पंडित नेहरू की गाड़ी के अंदर घूमा करता था, स्कूल बंद था, छुट्टियां हो चुकी थी, मैं एक महीना उसकी गाड़ी के अंदर घूमा हूं। जब हम इलाहाबाद पहुंचे तो उस वक्त इस्लाम का क्वेश्चन लाया गया, तो रिपोर्टरों को पंडित नेहरू कहते हैं कि देखो ना, जिस तरह से अहमदी हैं, ये इस्माइली लोग, इस्माइली लोग आगा खान के नहाए हुए पानी को पीते हैं और इस्माइली औरतें अपने बाल खोल के इधर ऐसा सो जाती हैं, इधर सो जाती हैं और अपने बालों को बीच में रख के रास्ता बनाती हैं कारपेट के रनर की तरह, और आगा खान इनके बालों के ऊपर चलता है। मुझे इतना गुस्सा आया, क्या ये सच बात है? कभी नहीं। हमारा इमाम जो हमको अपनी रूहानी बच्चियां कहता है, कभी वो ऐसा कर सकता है कि अपनी रूहानी बच्चियों के बालों के ऊपर चले? पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी ये बिल्कुल जाहिल, इग्नोरेंट इस्लाम और इस्माइली मजहब से, उसके दिल के अंदर कीना था हमारे लिए, हमारे मौला के लिए। इसके लिए उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, पेपरों में आ गया। उसका जवाब डॉक्टर इकबाल ने दिया, वो जवाब ऐसा मुंह तोड़ दिया कि सारे हिंदुस्तान के अंदर पेपरों ने डॉक्टर इकबाल के इस जवाब को छापा कि पंडित नेहरू ने बहुत बड़ी भूल की है ये कहने में। मैं जानता हूं नामदार आगा खान को और इस्माइलियों को, वो बिल्कुल पक्के मुसलमान है। ये इशारा उसका करने का मतलब ये था कि इस्लाम में तड़ पड़ जाए, डिस यूनिटी हो जाए, ना इतफाकी हो जाए और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए कि जो मुस्लिम लीग की वजह से मजबूत हो रहा था। इस तरह के बहुत से अटैक हमारे ऊपर हुए हैं। हमने तो कभी इमाम के बदन से धोया हुआ पानी नहीं पिया और उसकी हमें जरूरत भी नहीं, लेकिन कभी इमाम कहे कि मेरे पांव की मिट्टी लेके तुम खाओ तो वल्लाह हम खाएंगे, क्योंकि वो हुक्म है। कभी इमाम कहे कि मैं पानी में थूकता हूं ये तुम पानी पी जाओ तो हम पी जाएंगे, क्योंकि वो हुक्म है। रसूल अकरम हर रोज सुबह इबादत के बाद, नमाज के बाद जब बाहर आते थे तो मदीने के लोग, औरतें, मर्द, उनकी बांदियां, उनके गुलाम या खुद घर के लोग छोटे छोटे बर्तनों में पानी लेके आते थे, लाइन में खड़े रहते थे, तो नबी करीम सबके बर्तनों में अपना हाथ डालते जाते थे। और कभी कभी उनको ख़ारिश होती थी तो इसी हाथ से अपनी ख़ारिश भी कर लेते थे, तो फिर भी पानी के अंदर हाथ डालते जाते थे। यानी बदन का पसीना या बदन की धूल भी हाथ में आ जाती थी तो भी नबी करीम पानी में डालते थे। और मुसलमान इस पानी को न्याज के तौर पर, घटपाट के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर अपने घरों में ले जाते थे, बच्चों को पिलाते थे, अपने घरों में छांटा देते थे ताकि बदरूहें, इविल स्पिरिट्स इन घरों के अंदर ना आवें। हम इस्माइली कोई
खैर अकल की बात नहीं कर रहे, हमारा मजहब तो बहुत अकल के ऊपर है, मगर दीनदारों मौलाना हजरत इमाम के बदन की हम पूजा नहीं करते। मौलाना हजरत इमाम के बदन को हम ऐसा ही मानते हैं कि जैसे और नबियों इमामों पीरों का बदन है। हाँ एक चीज जरूर है कि मौलाना हजरत इमाम का जो नूर है वो अल्लाह का नूर है, इमाम मजहर अल्लाह है। अच्छा मजहर क्या है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया मैनिफेस्टेशन, मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मजहर बताता हूं ताकि आपके दिमागों में घुस जाए हकीकत में इमाम मजहर है। आप अपने खुद को एक आईने के सामने खड़ा कर दो, एक आईने के सामने आप खड़े हो जाओ तो आईने में कौन है? आप हो ना। आप सिर हिलाओ तो वो सिर हिलाएगा, आप ऐसी खारिश करो तो वो खारिश करेगा, आप हंसो तो वो हंसेगा, आप मुंह बनाओ गुस्से का तो वो भी मुंह बनाएगा गुस्से का। जो कुछ आप हो वही उस आईने में है, इसको कहते हैं मजहर। वो आपका मजहर है। आप अगर मोटे हो तो वो भी मोटा है, आप दुबले हो तो वो भी दुबला है, आप कुछ खाते हो तो वो भी खाता है। खुदा की कसम जो अल्लाह करता है इमाम वही करता है, इमाम उसका मजहर है, उसका जो नूर है वही अल्लाह का नूर है, वो खुदा का मजहर है। अगर इमाम बोलता है तो अल्लाह बोलता है, अगर इमाम देखता है तो अल्लाह देखता है, अगर इमाम खाना वदान कहता है तो अल्लाह खाना वदान कहता है। अल्लाह में और इमाम की नूरी हालत में कोई फर्क नहीं, वो मजहर है। ये यूनिटी है, यूनिटी का एक भाग है जो हमें समझना चाहिए। मैंने पाठ ये बोला कि शाह पीर को सेवते रहो और तुम अपने आप को इस डिसिप्लिन के ऊपर लगाओ जिसको हम विवेक कहते हैं। विवेक विचार दिल माले, विवेक डिसिप्लिन सिस्टम, ये बहुत बड़ी चीज है, ये यूनिटी का पार्ट है। रसूल अकरम ने जब ये सिखाया कि खुदा वाहिद है तो दूसरी चीज उसको सिखाई कि मैं उसका पैगंबर हूं, मेरे ऊपर ईमान लाओ। वो कहें कि नहीं हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं तेरे पे नहीं लाते, तो यूनिटी टूट जाती है क्योंकि खुदा और मोहम्मद एक ही है। लवा ला नफर्रुकु बैना अल्लाह व रसूल, यानी अल्लाह और रसूल के दरमियान, रसूलों के दरमियान कोई फर्क नहीं, और मोहम्मद का हुक्म मानना अल्लाह का हुक्म मानना है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। अब सिरातुल मुस्तकीम का खुलासा दिया अल्लाह ने कि अल्लाह और मोहम्मद का अगर तुमने ताबेदारी की हुक्म माना तो यही सीधा रास्ता है। इसी को हम सतपंथ कहते हैं अपनी जबान में, ये यूनिटी है। रसूल अकरम ने अब जाहिर के अंदर जो शरीयत अता की तो उसके अंदर ये था नमाज पढ़ने आओ। नमाज पढ़ने के लिए खुद रसूल लोगों को एक लाइन में खड़ा किया करते थे। अब दुनिया भी किसी भी मस्जिद में चले जाओ तो भले 10 आदमी होंगे मगर वो बिल्कुल उनके नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम के नजदीक पीछे खड़े होंगे और एक दूसरे के कंधे मिले हुए होंगे। ये यूनिटी है। रसूल अकरम ने फरमाया कि हमेशा मस्जिद में आगे आओ और एक लाइन में खड़े हो जाओ, कोई भी आदमी बाद में आवे तो लाइन को पूरा करे, जब एक लाइन पूरी हो जाए तो फिर दूसरी लाइन शुरू हो जाए। मगर मुझे अफसोस है और शर्म आती है, कभी गैरों को ये कह नहीं सकता, हमारे जमात खानों के अंदर जब लोग आते हैं तो वो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि कहाँ दीवार है कि मैं बैठ जाऊं, और सुबह को शाम को बीच में जगह फुटबॉल की ग्राउंड खाली होती है और स्पेक्टेटर्स आजू बाजू में ऐसा बैठे होते हैं, कोई अंदर आके बही नहीं बैठता। अरे शाजो दीदार के लिए सुबह उठते नहीं, अगर कोई पिलर के पास बैठा है तो इतना थक गया है, इतना कमजोर हो गया, इतना ऐसी हो गया है कि वो उठ के किसी नजदीक जाके नहीं बैठता कि मैं शाजो दीदार दे सकूं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि सुबह दुआ के लिए आते हैं और शाजो दीदार नहीं देते। उन्होंने कितनी बड़ी एक गलती की और कितने बड़े सवाब से महरूम हो गए। इस्माइली जमात खानों के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहा।
जो डिसिप्लिन हमको अल्लाह रसूल ने, हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने सिखाया, रसूल का नूर हमारे पीर है और अली का नूर हमारे इमाम है, यही शाह पीर है, यही अली नबी है। इन्होंने हमको बहुत सिखाया कि गत में आके आगे बैठो, एक दूसरे के बाजू में बैठो, एक लाइन पूरी हो जाए फिर दूसरी लाइन बनाओ और शाजो दीदार दो। कभी 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 जानबूझ के मुझे दुआ या तस्बीह में से अपना ध्यान हटा के जमात की स्टडी करने के लिए देखना पड़ता है। मैं कभी देखता हूँ जब भी हमारे गठपा अपने दुआ के अंदर हाथ उठाने के पाठ आते हैं, सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, तो आधी जमात उसके हाथ नीचे पड़े हैं और बहुत उठाते हैं तो गोद में ही ऐसा हाथ कर लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो सीने के सामने, अपने दिल के हार्ट के सामने हमको रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि तुम्हारे हार्ट के सामने अपने हाथ बांधो और अल्लाह से दुआ मांगो। मगर हम कोई हाथ नीचे पड़े हैं, कोई उठाता है, कोई नहीं उठाता, कई लोग हैं वो सजदा करते ही नहीं, इसलिए कि बदन यहाँ है, ख्याल बाहर है। कई ऐसे भी जमात खाने में आते हैं कि जिनका ईमान अच्छा नहीं है और इमाम जमान के नाम पे सजदा नहीं करते, बैठे रहते हैं, वो दुआ पढ़ते ही नहीं। मगर हमारे सारे जमात खानों के अंदर ये डिसिप्लिन, ये सिस्टम नहीं रहा, इसलिए बरकतें नहीं मिलती, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अरे जमात में यूनिटी नहीं है, हाथ उठाने की यूनिटी नहीं है तो दिल एक कैसे होंगे? हमारी तस्बीहें कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमको वो बरकतें नहीं मिलती। अलबत्त शाह पीर का हुक्म है कि मुखी कांवड़िया की दुआ मेरी दुआ है, तो वो मुखी कांवड़िया की दुआ जो इमाम के अमर से मिलती है, उस दुआ में से हमें फायदा मिल जाता है। लेकिन अगर हम सारी जमात एक मन होके, एक ध्यान होके, एक ही यूनिटी और एक्शन के साथ हम सजदा करें, दुआएं मांगे, शाजो दीदार लें और बिल्कुल मन लगा के हम दुआएं मांगे, तस्बीह निकाले, पेशा कहें, याली कहें, तो दीनदारो ये सारा जमात खाना नूर से ब्राइट हो जाए। नूर तो है ही लेकिन हमको दिखता नहीं, मगर हमको दिखे। ये यूनिटी है, ये खुदा की तौहीद का एक हिस्सा है। हमारे जमात खानों के अंदर बहुत दफा मैंने ये देखा है, मैं तो टोकता रहता हूं, मैं किसी की परवाह नहीं करना, आप मुझे गालियां दो, कुछ भी करो। हमारे जमात खानों के अंदर जब किनान पड़े जाते हैं तो खास तौर पर जो दूर बैठे हुए लोग हैं वो फुसफुस करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फरमान पड़े जाते हैं तो बातें करते रहते हैं। जमात खाने काहे को आए हो? अगर लोगों को मिलने के लिए आए हो तो मेहरबानी करके नीचे बैठो, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं। अगर मौला को मिलने आए हो तो अच्छी तरह से मिलो, अच्छे कपड़े पहन के आओ, अच्छी तरह लिबास पहन के आओ, किसी की शर्ट अंदर है, किसी की बाहर है, जैसे तैसे कपड़े पहन के चले आते हैं, बराबर नहीं है। इसी जमात खाने के अंदर जिस आज मैं आपको आवाज सुना रहा हूँ, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1926 के अंदर, क्योंकि ये जमात खाना 25 में बनाया गया, हुसैन सुलेमान वीर जी ने, ये जमात खाना उस वक्त मुखी थे, उनकी मेहनत से ये जमात खाना बना। मौला उनकी रूह को और उनकी औलाद और कुटुम्ब को इसका सवाब अर्श तक देता रहे। 1926 में मौला इधर आए, इधर बैठ के इमाम ने फरमान किया कि तुम जमात खाने के अंदर आओ, मोजे पहन के आया करो। ये मोजों का फरमान साहब ने 37 में रिपीट भी किया। किसी के पांव गंदे थे, किसी को पांव धोने की फुर्सत थी कि नहीं, बोला फरमाया मोजे पहन के आओ, सूट बूट पहन के आओ। उस जमाने में हमारे मर्द लोग जो थे, ऊपर 3 इंच की मखमल की काली लाल पीली टोपी, लंबा जगला, टाई बाई कुछ नहीं, कमीज का कोई धड़ा नहीं, और नीचे इजार, और वो इजार इधर उधर घूमती होवे, और पांव में चंपल, ये हमारे लोगों की, हमारे मर्दों की ये लिबास था। मौलाना हज़रत इमाम ने इस लिबास को चेंज करवाया, यानी जाहिर का भाव बिना जो है वो भी डिसिप्लिन में, सिस्टम में आता है। गुड लुकिंग, अच्छा ड्रेस पहनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अच्छा लिबास पहन के मस्जिद में जाया करो। लेकिन अच्छा लिबास का मतलब दर दागीने, सोने चांदी, हीरे नहीं, पाक कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, नहा के आया करो जमात खाने के अंदर। और अगर सुबह नहा लिया है और आपका काम ऐसा है कि पसीना नहीं आता, ऑफिस में बैठे हैं, तो शाम को मुंह हाथ धो के आओ। लेकिन इस्माइली मजहब के अंदर हुक्म है
कि तुम हर रोज नहाया करो, और अगर ऐसा काम है मजबूरी का तो शाम को रोज नहा के जमात खाने आओ, पाक साफ कपड़े पहनो, मौला के दरवाजे पे आके सलाम करो, मौला के हुजूर में आए हो, खुश हो कि मौला ने हमको इस मजहब में जन्म दिया, इमाम की बैयत मिली, दीदार मिला, और ये सतपंथ मिला के जो नबियों और इमामों का फरिश्तों का दीन है। दीनदारों, ऐसी और बहुत सी बातें हैं कि जो हमें सीखनी है। शाजो दीदार, आंख से आंख मिलाओ, खाली उंगलियां टच नहीं, ऐसा एक दूसरे की अंगूठे के नीचे अंगूठा लाओ। हमारे बदन के तीन पॉइंट्स हैं कि हमारे ख्यालों और हमारी इच्छाओं की ट्रांसमीटर्स हैं, एक आंखें और होंठ और हमारी पाम, इसमें से हमारे ख्यालात और हमारी एनर्जी बाहर डिसिपेट भी होती है और ट्रांसमिट भी होती है। हम एक दूसरे की आंख में आंख डाल के खुशी के साथ हाथ देते हैं, पाम्स मिलती हैं, और मुंह से एक दूसरे को हम दुआ करते हैं, ग्रीट करते हैं, शाजो दीदार, और वो भी हंस के अच्छे मुंह से। ये शाजो दीदार हकीकत में मौला के दीदार का फायदा और मिलता। दुआ पड़ी तो तुमको हजर इमाम के दीदार का सवाब मिला। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ये यूनिटी में आता है। खुदा की तौहीद इंसान की सारी जिंदगी को कवर की हुई है। मोमिनो, ये जो विवेक है, विवेक सिर्फ जमात खाने में नहीं, विवेक है जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, उसमें हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें, हमारे ख्यालात, ये सब आते हैं। किसी आदमी को वादा किया है, पूरा करो। किसी का माल लिया है उधार, उसको वापस दो। किसी भी तरीके से ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जो मजहब के विरुद्ध है। और रसूल अकरम फरमाते हैं कि इवन ए स्माइल इज ए चैरिटी, मोमन को देखे तो हंसो, याली मदद भी करो तो जरा मुस्कुरा के याली मदद करो। मुस्कुरा के मिलना भी इबादत में दाखिल है। एक दूसरे के साथ हिलो मिलो। मगरूरी अभिमान हमारे मजहब की ऑपोजिशन में है। हमारे लोगों के अंदर बड़ाई, रूडनेस, इरिटेशन, ये सब बहुत हो गई है। हम एक दूसरे को कुछ नहीं समझते, अपने आप को समझते हैं मैं बहुत बड़ा है। हम एक दूसरे को हल्का समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, और इन चीजों से फिर हमारे कैरेक्टर बिगड़ता है, बिहेवियर बिगड़ता है। हमको हर रोज मजहब में से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, ईमान ज्यादा करे, ईमान मजबूत करे, ईमान में बरकत देवे, जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी रोजगार में बरकत देवे। मौला तमाम आफतें बलाएं दूर करे, मुश्किलें दूर करे, नेक दुआएं कबूल करे, आपकी बदियों बुराइयों को दफा करे, कबीलों में जमातों में सलासत मोहब्बत इतफाक देवे, आपकी आल औलाद को कयामत तक अपनी नवाजिशें और बरकतें सवाब देता रहे। मौला जहर बातुल दीदार नसीब करे।